हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, जैसा आपको सबको पता है, देवगुरु बृहस्पति आपके इस समय यहाँ पर वृश्चिक राशि में, आपके यहाँ पर वृषभ राशि में आ गए हैं, विराजमान हो चुके हैं। और गुरु से हमें क्या फ़ायदा होने जा रहा है, उस फायदे को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या है इसका। चलिए, देवगुरु बृहस्पति आपके वृषभ राशि में यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। ये जो भाव है आपका, यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पर सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होगा, जिन लोगों की शादी इस समय नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि एक साल तक के लिए गुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान हुए हैं। आपके 14 मई 2025 तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो जो लोग अभी तक वंचित थे इस जाति के, इस राशि के जातक, जितने भी जो लोग वंचित थे कहीं ना कहीं शादी ब्याह से, उनका ये साल सपना पूरा हो जाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो लोग कहीं ना कहीं नया व्यवसाय लगाना चाह रहे हैं, जिन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उनका भी ये समय, इस समय बहुत उत्तम है, उनका भी ये सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरे, जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं लेकिन उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है कहीं भी, या कहीं भी अपना कोई परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पा रहे हैं, तो ये वर्ष जो उनके लिए होने जा रहा है, क्योंकि गुरु का यहाँ विराजमान होना साक्षात ये दर्शाता है कि गुरु आपको जो देने आए हैं वो आप लेंगे, क्योंकि उनका कहाँ पर बैठे हैं, वो बैठे ही उस भाव पर हैं आपके, जो भाव आपका पार्टनर, पत्नी, व्यवसाय, यात्रा संबंधित होता है। यहाँ पर इनका आना, इन सब चीज़ों से आपका कहीं ना कहीं जुड़ना और इन सब चीज़ों को आपका मिलना दिखाई देता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। दूसरी चीज़, गुरु को तीन दृष्टि दी गई हैं, तो उन तीन दृष्टियों के बारे में हम आपको बता देते हैं। उन तीन दृष्टि का प्रभाव क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, और उनसे आपकी कौन सी चीज़ें पूरी होंगी, क्या होगा, वो हम समझा देते हैं। गुरु को जो पहली दृष्टि दी है, आपकी पांचवी दृष्टि दी गई है। गुरु की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके कहाँ पर पड़ रही है, आप ये समझ रहे हैं। 1 2 3 4 5 आपके कहाँ पर पड़ गई है, आपके लाभेश पर और इच्छा पर आपकी पहली दृष्टि पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, यहाँ हमें कहीं ना कहीं हमारे आय के स्रोत जो हैं हमारे खुलेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं आय की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, और जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी कहीं ना कहीं हम पूर्ति करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मी का भी है, तो कहीं ना धन का जो अभाव है या जो धन का भाव होगा अब, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा और धन की कहीं ना कहीं आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु को हम धन से भी देखते हैं। तो धन से जो हमें फ़ायदा होने जा रहा है, कहीं काम से जो हमें फ़ायदा होने जा रहा है, तो इसका जो फ़ायदा हमें आएगा, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे मनोरथों की पूर्ति करने का कार्य करेगा। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि देख लेते हैं। अगली दृष्टि जो सबको दी गई है दृष्टि, जो सातवीं दृष्टि होती है, सभी उस पास होती है, तो इनके पास भी उस सातवीं दृष्टि को देख लेते हैं कि सातवीं दृष्टि इनकी कहाँ पर पड़ रही है। सातवीं दृष्टि इनकी स्वयं अपने उस पर पड़ रही है। ठीक है, आपकी जैसे 6 7 यहाँ पर पड़ रही है, आपके लगन पर पड़ रही है, आपके लग्नेश पर पड़ रही है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पर वृश्चिक राशि का आना, मतलब वृश्चिक राशि में गुरु का यहाँ पर दृष्टि पड़ना कितना प्रभावशाली होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाव किसका होता है, हमारे शरीर होता है, हमारा आरोग्य होता है, हमारा सौभाग्य होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब, यहाँ इनकी दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी बीमारी वगैरह अगर कोई भी है आप, क्योंकि आपका शरीर है ये शरीर, अगर गुरु की दृष्टि आपकी सीधी इन पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बीमारियों के उससे आप इस समय मुक्त हो जाएंगे। जो भी बीमारी इस समय चल रही है आपके साथ, कहीं ना कहीं उनसे आपको मुक्ति मिलने का कार्य होगा। मुक्ति मिलने के साथ साथ यहाँ आपको कहीं ना कहीं सौभाग्य प्राप्त होने का काम होगा। यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ना आपके लिए कितना शुभ होगा, ये आप अब आने वाले इसमें देखेंगे। जैसे ही 10 मई आएगी, 10 मई के बाद आपको ये सब चीज़ें परिणाम नज़र आने लग जाएंगे कि हाँ, हमें जो गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही है, जो दृष्टि पड़ रही है, उससे हमारे मनोरथों की पूर्ति कहीं ना कहीं हो रही है। चलिए, और इनकी अगली दृष्टि को देख लेते हैं। अगली दृष्टि जो पड़ रही है इनकी, नौवीं दृष्टि जो पड़ रही है, नौवीं दृष्टि हमारी पराक्रम पर पड़ रही है, हमारे शौर्य पर पड़ रही है, हमारी यात्राओं पर पड़ रही है। तो क्या होगा, गुरु की दृष्टि का यहाँ पर पड़ना कहीं ना कहीं हमें इतनी सुविधाजनक होगा, हमारे जो जितने भी हमारा जो पराक्रम है, जो हमारी मेहनत है, जो हमारा शौर्य है, जो हमारा परिश्रम है, वो इतना स्मूथली आप इस समय करते चले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा
कि आपने कौन सा नया काम कब कर दिया, कैसे कर दिया, क्योंकि गुरु का जो आशीर्वाद होता है, गुरु की जो दृष्टि होती है वो आपके ऊपर साक्षात पड़ रही है, और इनका पढ़ना आपके लिए कितना शुभ है, सबके लिए शुभ है लेकिन आपके लिए भी शुभ है। और गुरु का साक्षात त्रिकोण इसमें अंदर बैठना, इन चारों खानों में से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर इनका बैठना ही कितना शुभ होता है। ठीक है, चलिए और अगला भाव भी देख लेते हैं। ये भाव स्वयं साक्षात गुरु का है, क्योंकि यहाँ पर हम धन से ही देखते हैं और धन और कुटुंब को यहाँ पर देखते हैं। स्वयं इनकी राशि है, स्वयं इनकी राशि होने का मतलब यह हो गया कि अब हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हमें धन की कमी नहीं होने वाली है। कुटुंब में, परिवार में खुशियों का माहौल आने वाला है, और खुशियों का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं हमें पूर्ण रूप से शांति प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भाव हमारे लिए बहुत उत्तम होने जा रहा है, क्योंकि स्वयं ही धन का है और धन से ही हम गुरु को देखते हैं। ठीक है, और दूसरा भाव संतान के लिए भी बहुत उत्तम होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी इनकी स्वयं की राशि है और स्वयं ये बैठे हैं बारहवीं राशि में, तो इसका मतलब क्या है, संतान पक्ष के लिए भी ये कार्य हमारे लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो कुल मिला के हमारी मैरिज लाइफ यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो रही है, हमारी पार्टनरशिप यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, और हमारी यहाँ पर जॉब कंप्लीट हो रही है, हमारी यात्राएँ यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, जहाँ पर ये वृषभ राशि में बैठे हैं इनका हमें जो पूर्ण रूप से जो भाग्य प्राप्त होगा, जो सौभाग्य प्राप्त होगा, वो हमारे सारे मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति नज़र करता आएगा। इनकम को देख लेते हैं, इनकम के स्वयं आपके धन के यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ आय क्षेत्र में बैठे हैं, तो यहाँ पर उनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है, ये हमारी पूर्ति होती दिख रही है। जर्नी को देख लेते हैं, तो जर्नी का ये भाव आपका देख लिया, पराक्रम क्षेत्र में जर्नी से देखते हैं, यहाँ से भी जर्नी को देखते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ भी हमारे सारे भावों की कहीं ना कहीं पूर्ति नज़र होती नज़र आ रही है। बच्चों के हिसाब से देख लेते हैं, तो बच्चों के उसमें साक्षात गुरु की सीधे यहाँ बैठे हैं, गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि होने का मतलब अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए ये वर्ष कितना शुभमय होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बच्चों के लिए पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत हमें नज़र नहीं आती है, बस हमें गुरु का फ़ायदा लेना है। गुरु का फ़ायदा ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मनोरथों की पूर्ति हो जाएगी। बिजनेस के हिसाब से देख लेते हैं, तो यहाँ स्वयं इनका यहाँ बैठना, व्यवसाय में बैठना, तो यहाँ कहीं ना कहीं व्यवसाय आपका लगता नज़र आता है, सरकारी जॉब नज़र आती है, तो इनका यहाँ स्वयं यहाँ बैठना, जो गुरु आपको देने आए हैं और पूरे एक साल तक ही यहाँ पर रहेंगे, तो अगर हमने इनका यहाँ पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लिया तो कहीं ना कहीं हमें हमारे सुखों की पूर्ति होती नज़र आती है। जॉब भी हमें यहीं से दिखाई देती है, तो गुरु का यहाँ पर वृषभ राशि में बैठना और केंद्र स्थान में बैठना अपने आप में कितना शुभ है, ये आपको आने वाले कुछ दिनों में अपने आप ही अंदाज़ा हो जाएगा। बस गुरु का क्या है, गुरु को थोड़ा सा मना के चलें, गुरु को थोड़ा सा समझ के चलें और गुरु के हिसाब से चलें। ठीक है, अपने जो थोड़ी सी जो आदतें हैं उनमें थोड़ा सा सुधार करें, अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, तो पूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा होगा, सही होगा। बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आपकी पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में अगर जो इस समय दिखाई दे रहा है, जो गुरु का गोचर अब इस समय हुआ है, पूर्ण रूप से आपके फायदे के लिए और भाग्य को चमकाने के लिए यहाँ पर हुआ है। तो वृश्चिक राशि वालों की कहीं ना कहीं आपके लिए देख लेना, ये वर्ष आपके लिए सुखमय व्यतीत जीवन करेगा। ठीक है, क्योंकि 2024 और 2025 तक आपके 14 मई 2025 तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे, तो इनका यहाँ विराजमान रहना कहीं ना कहीं आपके मनोरथों की पूर्ति करता है। ठीक है, बस वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, बस वीडियो आज अपनी पूरी करते हैं।